Okay, so hi, good morning everyone. A very good morning to all of you. And here we are starting with the one shot revision of polymers. Are you ready? जल्दी से बताएंगे, आर यू रेडी? बाकी लोग किधर है? क्विकली हो जाएंगे मेरे साथ कनेक्ट, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद द वन शॉट रिविजन ऑफ वी आर स्टार्टिंग विद द वन शॉट रिविजन ऑफ पॉलीमर. सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. हु ऑल डू वी हैव यार, जल्दी से अपना अपना नाम बता दीजिए. आर्यन, हिनल, रतन, आर्यन, सृष्टि, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. देखो, कल आप लोगों का जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का वन शॉट था, राइट? और इफ यू रिमेम्बर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में थोड़ा सा पोर्शन आपका रह भी गया था, राइट? है, थोड़ा सा जो आपका पोर्शन बचा हुआ है वो मैंने एक्चुअली ग्रुप पर ऑलरेडी पीडीएफ फॉरवर्ड कर ही दिया था, है ना? याद आ रहा है, ग्रुप पर मैंने पीडीएफ फॉरवर्ड कर दिया है. और वो जो आपका थोड़ा सा वन शॉट बचा है, तो उसके ऊपर अगर पूरा एग्जैक्टली वन मोर सेशन हो जाएगा, तो वो नॉट मोर देन 15-20 मिनट्स का नहीं होगा, सिर्फ ज्यादा का नहीं होगा. सो इसीलिए आज हमने पॉलीमर्स का रखा है, और आप उससे देख सकते हो, क्या बोलते हैं, पीडीएफ से देख सकते हो जितना केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में रह गया या फिर आज के सेशन में पॉसिबल हो पाया, आई विल शो यू. एंड दूसरा बात ये है, हाँ, हाइड्रोजन करा देंगे, करा देंगे, करा देंगे. और दूसरा बात ये है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कि जो है, क्या 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 क्या, क्या? हाँ, स्पेशल क्लास में पूछ लेना भाई, स्पेशल क्लास में आ जाना, स्पेशल क्लास में उसको मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है? सो कल का जो स्पेशल क्लास रहेगा उसमें आई विल मेक श्योर कि वो आपका कंप्लीट हो जाए. आप हो जाएंगे, आप लोग मेरे साथ क्विकली कनेक्ट. लेट मी ऑल्सो कॉल योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए. और उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वन शॉट रिविजन ऑफ 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 बताओ जी क्या, पॉलीमर्स, ठीक है? पॉलीमर्स भी वैसा ही टॉपिक है, पॉलीमर्स भी ऐसा ही है जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि ये भी आपका स्कोरिंग टॉपिक है. स्कोरिंग से इसका मतलब ये है, क्योंकि लिमिटेड कंटेंट है आपका, दो घंटे. पहली बार पॉलीमर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, 2 आवर्स में आप आज जितना, आज मैं वन शॉट आपको कराऊंगी आसानी से. अगर आप ये वाला सेशन देख लेते हैं, उसके बाद आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तो आसानी से इतने टाइम में आपका ये यूनिट फिनिश हो जाएगा. और अगर इतने टाइम में ये यूनिट फिनिश हो जाता है और आपको यहाँ से 4 मार्क्स मिलते हैं, आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 4 मार्क्स मिलते हैं. सो बनता है कि नहीं, 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं, है ना? 4 मार्क्स जरूरी है ना? तो उसके लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको कर जाए. हाँ जी, सॉलिड स्टेट का कराओ. अरे 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 अरे, सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ. अजय कुमार, सॉलिड स्टेट का रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है, जाकर देखिए प्लेलिस्ट के अंदर, मेरा ये जो वन शॉट रिवीजन वाला प्लेलिस्ट है, इसमें जाकर देखिए. हाँ खाना, तुम्हारा टेलीग्राम पे कुछ तो था, ठीक है, मेरे को पता है, लेकिन टेलीग्राम पर एक्चुअली नहीं पॉसिबल हो पाता है सारे मैसेजेस देखना. बट आपने रोड मैप भेजा है, तो ये समथिंग डिफरेंट है, आई विल चेक इट, ठीक है? तो और बाकी लोग भी, अरे भाई क्या बोलते हैं, आप लोग जैसे मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज सेंड करते हैं, पहले भी गुड, आप सेंड कर दिया करो, उसमें कोई चक्कर नहीं है. मैं कभी कभी रीड कर भी लेती हूँ, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन पॉसिबिलिटी, जब जब पॉसिबल होता है मैं रीड करती हूँ. और कुछ बच्चों ने मेरा रिस्पॉन्स भी रिसीव किया होगा, मैं कभी कभी रिप्लाई कर भी देती हूँ. जहाँ मेरे को फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ और मैंने पीडीएफ फॉरवर्ड करने के लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में मुझे टेलीग्राम चलाना ही होता है, आपको पीडीएफ वगैरह देनी होती है ना, तो अगर मैं मतलब मैंने टेलीग्राम चलाया है और बाई चांस मेरा कोई भी मुझे दिखे और मेरा हाथ लगे, तो मैं डेफिनेटली मेक श्योर करती हूँ कि जो मैंने रीड कर दिया उसका तो मैं 100% रिप्लाई करूँ ही करूँ, ठीक है? तो यार, और उस पर टेलीग्राम पर ना हाय हेलो की जगह क्वेश्चन ही पूछ लिया करो. तो कभी कभी क्या होता है, मैं 5-6 लाइन से उनको मैं क्या करने की कोशिश करती हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, हाय हेलो ही होता है उसमें ज्यादातर. नहीं, कल 3.0 लेक्चर नहीं, कल संडे है, कल संडे है. हाँ जी, कल 3.0 का लेक्चर नहीं है. किसने कहा कल 3.0 नहीं है? नीट 3.0 आज है आपका, आज है, इट इज टुडे, ठीक है? किधर गया यार ये सेशन, वेरी ओके. सो जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, क्विकली लाइक करेंगे सेशन को. और आप ये समझ जाइए कि मैं ये जो पीडीएफ है ये फॉरवर्ड कर देती हूँ अकेडमी नीट का जो चैनल है आपका, टेलीग्राम चैनल, वहां पर भी, और जो मेरा यू नो एके लाइव टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ढूंढ सकते हो,
टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ढूंढ सकते हो वहां भी। अभी इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। जितने लोग रेडी हैं लिखेंगे इधर कमेंट सेक्शन में कि यस वी आर रेडी। सुबह सुबह का टाइम और एकदम फुल एनर्जी है। हालांकि आप लोग में से कुछ लोग गायब है, आई एम श्योर थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ जी, आज हमारा फर्स्ट प्लस क्लास होगा। प्लस तो जितने प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अपने अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आ जाइएगा आज की क्लास में और मजे करेंगे। 10 बजे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। If you are connecting with me for the very first time, let me introduce myself. This is Akanksha, a chemistry educator, qualified by CSIR NET with AIR 35. Also gate qualified in chemical sciences, secured an international rank of 29 in the EFO, and I was also awarded the scholarship for my outstanding academic performance by the Department of Chemistry, University of Delhi. So yes, a graduate as well as a postgraduate from DU, University of Delhi. Thank you. Ajay Kumar, are you best dressed? बिल्कुल नहीं, लेकिन thank you, आपने ऐसा कहा। Session start करें, are you ready? Polymers का session start करने वाले हैं अभी हम। Polymers क्या होते हैं, किसने बता देना है मुझे? What are polymers? क्या होते हैं आपके जो ये polymers हैं? What are polymers? देखो polymers क्या होते हैं। Polymers आपके macrosized high molecular mass compounds होते हैं। These are formed by a large repetition of large number of repeating units. और कौन बता रहे? अरे देखो कुछ नहीं, polymers आपके किससे बनते हैं? Polymers आपके बहुत सारे monomeric units को बार 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 repeat करने से क्या बनता है? Mono, very good. हाँ बिल्कुल बाकी है अरु ओम भलानी, बिल्कुल बाकी। तो ये जो रिपीटिंग यूनिट्स, यानी कि एक एक होता है आपके पास मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है। मोनोमेरिक यूनिट को बार 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 रिपीट करते जाइए, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? पॉलीमर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत बार भाई मोनोमर बार 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 एक मोनोमेरिक यूनिट को आप रिपीट कर रहे हैं। जैसे मैं दिखाऊंगी अभी, बहुत सारे आपको पॉलीमर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपके मैक्रो साइज होते हैं, मतलब लार्ज, बहुत हैवी, यू नो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत लार्ज साइज ये आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल एकदम। उसके बाद मोनोमर्स क्या है यार? मोनोमर से क्या बनता है? पॉलीमर। क्या कहा मैंने? एक मोनोमर को बार 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 रिपीट कराए तो पॉलीमर बनता है। अब ये मोनोमर क्या है? तो ये आपका वो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है जो आप कुछ सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब ठीक है, जो आप सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, या तो वो वाले मॉलिक्यूल्स जो आप सिंपल नेचर में ऐसे ही मिलते हैं, या फिर आप उन्हें किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू डिराइव करते हैं, उनको क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। दीज आर दी स्मॉल सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ठीक है। और ये आपकी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है बाय कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी आप पॉलीमर देखेंगे, जैसे क्या होता है, आपने पॉलीथीन सुना है, पॉलीथीन का पॉलीमर मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है वो? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जैसे प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है? अमाइनो एसिड्स। ऐसे ही पॉलीथीन है, पॉलीथीन का मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द मोनोमेरिक यूनिट? पॉलीथीन का क्या होता है? ईथीन। तो आप जो है इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होता है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज ईथीन। इसका बार 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 रिपीटेशन करिए तो आपके पास क्या बनता है? पॉलीथीन, कुछ ऐसा दिखता है CH2 CH2। और जी इधर भी कर दो इसको एक्सटेंड, इधर भी कर दो ऐसे, एंड ये लो, ये बन गया, मतलब ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर किसके बीच में क्या है, सारे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। सो दिस इज पॉलीथीन। तो बेसिकली अभी आगे भी आएगा, यहाँ तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ किस तरीके से ये होती है मोनोमेरिक यूनिट, जिसका बार बार रिपीटेशन किया जाए जो पॉलीमर बन जाता है। और ये आपके जो मोनोमेरिक यूनिट्स है वो कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड बनते हैं, ठीक है। हाय 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 हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो लेट मी जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी बुला लीजिए, वी हैव स्टार्टेड विद दिस सेशन। और बताओ कौन कौन से, कितने टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि पॉलीमर्स को आप किन किन बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं? हाउ, व्हाट आर ऑल दी क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स? सबसे पहले आपके पास आता है सोर्स या ओरिजिन, यानी कि आपका जो पॉलीमर है, आपका जो पॉलीमर है उसका सोर्स क्या है? क्या पॉलीमर का आपका क्या सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, कहां से आया है? सो गाइस, वी हैव स्टार्टेड दी वन शॉट रिवीजन ऑफ पॉलीमर्स। समवन क्विकली ज्वाइन कर लेंगे सब लोग, है ना। तो सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब है कि, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो देख ही रहा है वैसे भी 1 2 3 4, है ना। सोर्स का मतलब होता है कहां से पॉलीमर डिराइव हुआ है, नेचुरली अकरिंग है, सिंथेटिक है,
सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, नेचुरली अक्रिंग जो नेचर में ऐसे ही मिलता है, सेमी सिंथेटिक मतलब जो आर्टिफिशियली डिराइव्ड है, सेमी सिंथेटिक मतलब सेमी सिंथेटिक का मतलब समझते हैं सब लोग, यानी कि नेचुरली अकरिंग में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का उसका डेरिवेटिव हम यूज कर रहे हैं, यानी नेचुरली अकरिंग में कुछ ना कुछ हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं और फिर वो आपके पास क्या कहलाता है, सेमी सिंथेटिक, यानी नेचुरली अकरिंग का कुछ ना कुछ हमने अपनी तरफ से डेरिवेटिव, आर्टिफिशियली कोई नेचुरली अकरिंग पॉलीमर का हमने डेरिवेटिव क्रिएट किया है, ठीक है, तो वो कैसा हो गया, सेमी सिंथेटिक, ना तो पूरी तरह नेचुरल है ना आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वो जो पूरा यू नो बेस से ही हमने अपने आप बनाया। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है जी स्ट्रक्चर, है ना, है ना, है ना, है ना, स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद कौन से आते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीमर, यानी कि पॉलीमर ऐसे हो सकते हैं जो लीनियर लीनियर पॉलीमर्स हैं, जैसे ये पीथीन वाला देखा तुमने, पॉलीथीन वाला, ब्रांच भी बन सकते हैं, क्रॉस लिंक्ड बन सकते हैं, यानी कि दो उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्रॉस लिंक्स वाला कोई चक्कर नहीं, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, अभी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, एंड वी हैव दीज क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है, और यहाँ पर ये सोर्स एंड ओरिजिन है, यहाँ पर आपके पास आएगा सिंथेसिस, डिपेंडिंग अपॉन की सिंथेसिस मेथड क्या है उनका, राइट, डिपेंडिंग अपॉन सिंथेसिस मेथड क्या है, यानी कैसे उनको बनाया गया, एडिशन के थ्रू या कंडेंसेशन के थ्रू, ठीक है, एंड देन वी ऑल्सो हैव इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, जिनका आपको एक तो एग्जाम्पल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जिनका आपको एक तो एग्जाम्पल बताना चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग की प्रॉपर्टीज ये होते क्या है, स्पेशली यू शुड नो द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक की बात सब लोगों को क्लियर है, जल्दी से बता देंगे, देखो कोई नहीं पूछने वाला आपको कि पॉलीमर्स कितने कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, नहीं कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, कौन आपसे क्या पूछेगा, अभी इसके बारे में जो हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि नेचुरल सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, ये सब जब आगे पढ़ोगे ना तब आपसे पूछा जाएगा, अभी इसके बारे में जितनी बात अभी हमने की है ऐसे क्लासिफिकेशन के ऊपर अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा और ना ही आपसे इस तरीके से पूछेंगे, ठीक है, तो शुड वी स्टार्ट, इससे आगे बढ़े और ये स्टार्ट कर दे एक बारी, और यहाँ पर ये जो दोबारा से रिपीट हुआ ना, सोर्स एंड ओरिजिन, सोर्स एंड ओरिजिन आपका फर्स्ट था, ये है आपका मॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कैसे फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं पॉलीमर्स के बीच में, उसके बेसिस पर यू क्लासिफाई देम इनटू इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, राइट है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, परफेक्ट। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले एक एक कर सारे हमें डिस्कस करने, तो सबसे पहले नेचुरल, देखो पॉलीमर्स जो है बहुत अच्छा यूनिट है, एक तो देखो यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, है ना, पक्का एक क्वेश्चन तो आएगा ही, और बहुत जल्दी आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, तो बिल्कुल बनता नहीं है इसको छोड़कर जाना, वन शॉट के साथ इसको, मेरे वन शॉट के साथ इसको कंप्लीट कर लीजिए, इतना इतना पढ़ लीजिएगा, इसके बाद रिवाइज कर लेना, हो जाएगा, ठीक है, 4 मार्क्स आ जाएंगे, और फिर मैं इसका स्पेशल क्लास के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगी, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करकर चले जाओगे बस फिर तो मजे है ना, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, इनमें इनमें PYQ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि रिपीटेटिव होता है, ठीक है, कई बार वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। हाँ जी, ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर्स जो आपके नेचुरली अकरिंग है, यानी कि जो आपको प्लांट्स या एनिमल्स से मिल पा रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स ह्यूमन बॉडीज में, एनिमल बॉडी सब में होता ही है, ठीक है, लिविंग टिश्यूज जितने होते हैं, तो प्रोटीन्स है, सेल्युलोज है, स्टार्च है, तो इन सबका सोर्स क्या है, रेजिन, रबर, सब प्लांट से मिल जाते हैं, तो दीज आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स, क्या है, दीज आर दी नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। आप मुझे सब लोग एग्जाम्पल देंगे किसका, आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए आर्टिफिशियल पॉलीमर, quickly, I need an example for artificial polymer. किसने बताया example artificial polymer के लिए, जल्दी से बता देंगे, who has given me the answer for artificial polymer? Good morning, good morning, हाँ जी, very good. आर्टिफिशियल पर चले उससे पहले एक बार सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स को देख लीजिए। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब है जैसे जहां पर आपके पास नेचुरली अकरिंग है, जैसे सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज का कोई डेरिवेटिव बना दो, ठीक है, सेल्यूलोज का डेरिवेटिव जैसे सेल्यूलोज एसिटेट हो गया, तो बिल्कुल ठीक है, रेयॉन आपका सेमी सिंथेटिक है, ना तो नेचुरली अकरिंग है ना सिंथेटिक है,
बिकॉज ये आपका एक नेचुरल का ही डेरिवेटिव आपने तैयार किया है, तो इसको इस सब कैटेगरी में डाल देते हैं। तो रेयॉन आप ये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे एज सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक जो 100% मैनमेड है, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर है उसको। और ऐसे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पूरे चैप्टर में भरे पड़े हैं आपके पास सिंथेटिक पॉलीमर्स। अभी के लिए ब्यूना एस आपका ध्यान रख सकते हो आप, क्या होता है नायलॉन 6/6, ये जितने भी आपके दीज आर योर सिंथेटिक पॉलीमर्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एडिशनल पॉलीमर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सिंथेसिस मेथड क्या है, सिंथेसिस मतलब उसको बनाया किस तरीके से गया है, तो आपके पास फर्स्ट क्या आता है एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर जहां पर आपने एक मोनोमेरिक यूनिट को दूसरे मोनोमेरिक यूनिट के साथ सिंपली ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब आपके दो मोनोमेरिक यूनिट्स एक साथ क्या हो गए, ऐड हो गए, इसमें आपके पास होमोपॉलीमर्स हो सकते हैं। होमोपॉलीमर्स का मतलब क्या होता है जल्दी से बता देंगे, जहां पर आपके पास सेम टाइप का मोनोमेरिक यूनिट है, जैसे पॉलिथीन होता है ना, पॉलिथीन होता है सेम मोनोमेरिक यूनिट, पॉलिथीन होता है, पॉलिथीन का एक ही मोनोमर है, पॉलीथीन का एक ही पॉलीमर है ना इथीन, तो इथीन को बार बार रिपीट करोगे पॉलीमर बनकर रेडी हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्या होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स जहां पर एक ही टाइप का मोनोमेरिक यूनिट है। अब कुछ आपके पास ऐसे भी पॉलीमर्स होते हैं जहां पर देखो जैसे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, दिस इज ऑल्सो अ होमोपॉलीमर। क्यों कहा इसको होमोपॉलीमर, क्योंकि बस एक्राइलोनाइट्राइल, देखो यहाँ पर दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल इसका मोनोमेरिक यूनिट है, ये उसका स्ट्रक्चर है। बार 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 नाइट्राइल है ना सी एन, ठीक है, बार बार उसको आप रिपीट करोगे यानी कि इस तरीके से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर आ जाएगा। और इसको होमोपॉलीमर कहते हैं क्योंकि एक ही तरह का आपका यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। और क्या है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन क्यों बोल रहे हैं, सबको ये बात समझ में आई ना, एडिशन इसलिए है, देखो यहाँ पर इसको समझ लो एक बारी, एडिशन इसलिए है जैसे कि आपके पास मान लीजिए इथीन था, ठीक है, इथीन था, इसका मैंने एन यूनिट्स ले लिया, आप क्या करेंगे, ये एक इथीन यूनिट, दूसरा इथीन यूनिट, थर्ड इथीन यूनिट, इसी तरीके से आप इसको एक्सटेंड करते चले जाओ एन, आपके पास ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप एडिशन ही तो कर रहे हो एक मोनोमेरिक यूनिट को दूसरे के साथ ऐड, और वैसे इसका जो मैकेनिज्म होता है ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू जाएगा। हाउएवर कोई मैकेनिज्म तो आपसे पूछेगा ही नहीं, है ना, यहां तक सब लोग को समझ में आया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका ये है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आप किसको कहते हो, जिसमें आपका जो रॉ रबर है नेचुरल रबर है उसको आप हीट करते हैं सल्फर के साथ, और एट ए टेम्परेचर रेंज बिटवीन 373 केल्विन टू 415 केल्विन, ठीक है, मतलब कि इतने टेम्परेचर पर, ये तो तुम टेम्परेचर मेंटेन करते हो कितना 373 टू 415 केल्विन, और इतने टेम्परेचर पर आप एक रॉ रबर को हीट करते हो किसके साथ, सल्फर के साथ, ठीक है, और साथ ही साथ एडिटिव भी डालते हो, तो आपके पास क्या जो बनकर निकलता है दैट इज वल्कनाइज्ड रबर। हाउएवर ये पूरा है चैप्टर में अच्छे से है, देखो यहां पर जब आप टायर रबर का मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो 5% सल्फर आपका यूज होता है एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट, सल्फर इज यूज्ड एज द क्रॉस लिंकिंग एजेंट। और आप देख रहे हो यहां पर ये जो आपको स्ट्रक्चर है ना किसी भी वल्कनाइज्ड रबर के लिए कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, एक सल्फर के साथ क्रॉस लिंक बना लेता है, सल्फर क्या करता है क्रॉस लिंकेजेस फॉर्म कर लेता है इस तरीके से, ठीक है। और वल्केनाइज रबर के बारे में डोंट वरी, अभी ये चैप्टर में आगे पूरा अच्छे से दिया हुआ है। वल्केनाइज रबर यहाँ पर बोलने बस इतना दिखाया कि सेमी सिंथेटिक है, ठीक है, बस इतना ही दिखाया कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। वल्केनाइज रबर के ऊपर पूरा आपका अलग से सेक्शन है इसी स्लाइड में आगे जाकर, अभी मैंने बताया कि सेमी सिंथेटिक है यानी कि आपका नेचुरली जो नेचुरली एक्रिलिक रबर होता है उसको जब आप हीट करा देते हो सल्फर के साथ, सल्फर क्रॉस लिंकिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो जहां जहां डबल बॉन्ड होते हैं दो यूनिट्स के बीच में सल्फर सल्फर बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, मतलब सल्फर के लिंकेजेस आ जाते हैं। उसके बाद सिंथेटिक रबर, एक बार सिंथेटिक रबर की बात कर लीजिए, सिंथेटिक रबर किसको कहते हैं, नियोप्रीन। नियोप्रीन इसका मतलब यहां पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस टू रिमेंबर दिस मोनोमेरिक यूनिट, ये जो आपका मोनोमेरिक यूनिट है ना प्लीज इसको सब लोग ध्यान रखेंगे, 2-chloro-1-3-butadiene इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो आपके पास क्या बनकर आते हैं, नियोप्रीन। बहुत बार पूछा हुआ है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पढ़े तो बहुत बार पूछा हुआ है
कि व्हाट इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ नियोप्रीन. तो नियोप्रीन का मोनोमेरिक यूनिट होता है 2-chloro-1,3-butadiene. व्हाट इज द मोनोमेरिक यूनिट? 2-chloro-1,3-butadiene. राइट है, ये बात सबको ध्यान हो गई नियोप्रीन के बारे में. ब्यूना एन, क्या ब्यूना एन? अब देखो ब्यूना से तो आराम से इसको ध्यान रखा जा सकता है, इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है. सबसे इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे पॉलीमर चैप्टर में एक ही चीज है, विच इज क्या? पॉलीमर और उसका मोनोमेरिक यूनिट. तो सबसे अच्छा है आप लोग एक टेबल बना लेना, इसमें भी मैंने जो एनसीईआरटी में बना हुआ है टेबल वो दिया है आगे, ठीक है? आप लोग वो टेबल को अच्छे से बिल्कुल, मतलब पॉलीमर में आप कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन मोनोमेरिक यूनिट सारी आपको ध्यान करके जानिए. फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का वही रहता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपसे मोनोमेरिक यूनिट ही पूछे. मैं आपको अब भी बता रही हूँ, मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाए, मोनोमेरिक यूनिट ही पूछा जाए. तो मोनोमेरिक यूनिट 100% सभी लोगों ने पढ़कर जानी ही जानी है, ट्राई कीजिएगा. अब ब्यूना एन देखना इसको एक बार, ब्यूना एन, ब्यूना से क्या निकल कर आता है? ब्यूना से हमेशा ध्यान रखना, ये जो ब्यू लिखा है क्या आता है? ब्यूटाडाइन. कौन सा? 1,3-butadiene. आगे भी तुम देखोगे जो आपके पास पॉलीमर पॉलीमर्स आएंगे उनमें बहुत जगह ब्यूना एस, ब्यूना एन, इन सब में आपके पास ये यूनिट निकल कर आएगा ब्यूना. तो उसके लिए ध्यान रखना हमेशा 1,3-butadiene, 1,3-butadiene. फिर यहाँ पर एन लिखा है ना, एन दिख रहा है सबको, ये एन है. तो यहाँ पर ये एन से आपको ध्यान रखना है एक्रिलो नाइट्राइड, सी एन ग्रुप होता है इसमें, ठीक है? एक्रिलो नाइट्राइड. सो ब्यूना एन इज वॉट? 1,3-butadiene एंड एक्रिलो नाइट्राइड, इनका को पॉलीमराइजेशन करा दीजिए. मतलब ये क्या होता है, दीज आर योर हेट्रो पॉलीमर्स. क्या कहलाएंगे? हेट्रो, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग तरह की मोनोमेरिक यूनिट्स है, दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट है. तो को पॉलीमराइजेशन सिंपल आपने क्या करा रहे, ये दोनों को एडिशन ही करा देना है. एंड वॉट यू हैव इज ब्यूना एन, ठीक है? आपने के पास क्या जाएगा? ब्यूना एन. हाउएवर कोई इस तरीके से आपसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो नहीं कहेगा, बट हाँ ब्यूटाडाइन, 1,3-butadiene तो सिंपल है, इंपैक्ट से भी ध्यान रख सकते हो, और एक्राइलो नाइट्राइल, इनका स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है. किसका? ब्यूना एन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉलीमर का मोनोमेरिक यूनिट पढ़कर जाए, और मोनोमेरिक यूनिट के साथ उसका एक एप्लीकेशन. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से बता देंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक क्विकली बताएंगे, क्विकली क्विकली क्विकली. और जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है सब ने सेशन लाइक करना है. उसके बाद देखो ये जो आपका प्रोसेस है ये वो किस तरीके से रखा होता है. पॉलीमर्स जो मैंने कहा, या तो एडिशन पॉलीमर की बात कर ले अगर सबसे पहले, तो उसके पीछे मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व रहता है. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो क्या बताना आपने? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, किसी का भी पॉलीमराइजेशन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड. बेंजोइल परऑक्साइड ये सबको दिख रहा है, ये बेंजोइल परऑक्साइड होता है. यहाँ पर इसका क्या होगा, ये वाला जो परऑक्सी बॉन्ड है ना, ये वाला जो परऑक्सी बॉन्ड है, यहाँ पर इसका होमोलिटिक लीवेज होगा. होमोलिटिक लीवेज होगा, आपके पास इस तरीके से रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा. फिर यहाँ से ये CO2 बाहर निकलेगा और फिनाइल रेडिकल बन जाएगा. फिर आपका ये जो फिनाइल रेडिकल है इसका आपके आपका ये जो इथीन है इसके साथ ये एड हो जाएगा, ठीक है? इथीन, मैं यहाँ पर पॉलीथीन का अगर बता, मान लो पॉलीमराइजेशन कर रही हूँ, ठीक है? यानी कि पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर रही हूँ, मैं इथीन का पॉलीमराइजेशन करा रही हूँ, तो ये इथीन यूनिट ऐड हो जाएगी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा. अब आपको पता है फ्री रेडिकल एक बार बन जाए तो आपकी चेन बार बार चलती चली जाएगी. कैसे चलती चली जाएगी? एक ये जो फ्री रेडिकल बन चुका है, सो इसको क्या कहते हैं, जहां पर आपका रेडिकल बनता है दैट इज द चेन इनिशिएशन. उसके बाद एक बार आपका ये बन जाए, एक बार आपका ये बन जाए, बार 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 इसमें रिपीटेटिव यूनिट ये आप ऐड करते रहिए, इथीन इथीन बार बार ऐड करते रहो, तो क्या हो जाएगा आपके पास? चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप उसको कहते हैं. बार बार आपके पास इस तरीके से ये रेडिकल्स और रेडिकल रेडिकल यूनिट आपकी क्या एक्सटेंड होती चली जाएगी. फिर आपको एक पॉइंट पर जाकर चेन को टर्मिनेट कराना है. जब आपके बहुत सारे इस तरह से चेन एक साथ जुड़ चुके हैं तो क्या होता है, आप दो पॉलीमेरिक यूनिट इस तरीके से दो रेडिकल्स आपस में आपके आ जाए तो यहाँ पर आपके पास फाइनल चेन आपका टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है? ठीक है ना, चेन टर्मिनेशन स्टेप समझ में आया सबको? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप. तो जहां पर आपके इस तरीके से दो रेडिकल यूनिट्स आपस में कंबाइन कर जाएंगी वो आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप होगा, और फाइनली वहां से उस टर्मिनेटिंग स्टेप से आपके पास फाइनल आपका जो पॉलीमर है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है? हाँ, वो आपका फाइनल पॉलीमर निकल कर आ जाएगा. नींद आ रही है सबको? नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है बताओ. नींद आ रही है, जल्दी में बता देंगे. और कल आई थिंक मैं जो है आपका ये सेशन शेयर भी करना भूल गई आपको, है ना? तो बाद में भी देख सकते हो आप लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेस्ट है कि आप ना लाइव भी देख लिया करें, क्योंकि लाइव की वजह से हमारा एक क्या हो जाता है, हमारे मन में रहता है
कि हमें जो है इस टाइम पर, मतलब एक टाइम आपका फिक्स हो जाता है, और ये सेशन बहुत लंबा तो होता ही नहीं है ना, तो एटलीस्ट इसके साथ ही अगर आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद और फिर इसको एक बार मैं PDF फॉरवर्ड कर दूंगी टेलीग्राम पर, तो रिवाइज कर लेना, ठीक है। आप देखो उसके बाद कौन से आते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स आते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर सिंपल है, जहां पर आपकी इसमें आपको दो तो मिनिमम मोनोमेरिक यूनिट चाहिए, ये दो से ज्यादा भी हो सकती है, और वो दोनों मोनोमेरिक यूनिट, मान लीजिए दो मोनोमेरिक यूनिट का आप कंडेंसेशन करा रहे हो, तो वो ऐसी होनी चाहिए जिनके अंदर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। तो ये वाला आपका पॉलीमराइजेशन, ये वाला पॉलीमराइजेशन मीन्स जो आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है या कंडेंसेशन पॉलीमर्स कब बनते हैं, जहां पर आपका जो रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, कंडेंसेशन रिएक्शन बाय फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स, यानी कि कम से कम दो ग्रुप्स आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, दो ग्रुप्स आपस में कंडेंस होते हैं और आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर है, एल्कोहल है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये आपके क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं और आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पॉलीअमाइड्स हो गया या फिर पॉलीएस्टर्स हो गया, तो ये सब इसके एग्जांपल होते हैं किसके, कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले पॉलीएस्टर्स देख लीजिए, क्या देख लीजिए, पॉलीएस्टर्स देख लीजिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम राइटिंग इट डाउन, डेक्रॉन उन्होंने बहुत बार पूछा है, और जी टेरिलीन को क्या बोलते हैं, डेक्रॉन बोलते हैं, डेक्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेक्रॉन, टेरिलीन इज वॉट, डेक्रॉन, इसके ऊपर काफी बारी क्वेश्चन आया, टेरिलीन को क्या बोलते हैं, डेक्रॉन बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है दो तीन बार, तो कुछ बच्चे पहचान ही नहीं पाते कि डेक्रॉन कौन है, कभी उन्होंने टेरिलीन का पॉलीमर मोनोमेरिक यूनिट पूछा है, कभी डेक्रॉन का पूछा है, और कभी उन्होंने पूछा है डेक्रॉन इज क्या, तो वो टेरिलीन ही डेक्रॉन है, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, इसमें आपके पास जो मोनोमेरिक यूनिट्स होती है दैट इज इथेन 1,2-diol एंड बेंजीन 1,4-dicarboxylic एसिड, ठीक है। तो आप देख रहे हो इथेन 1,2-diol मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है, और एल्कोहलिक ग्रुप है और इधर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो जब भी एल्कोहलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में कंडेंस करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये वाला मॉलिक्यूल विच इज H2O यानी कि वॉटर का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी यूनिट जब आपकी कंडेंस करेंगी तो आपके पास फाइनल ये पॉलिएस्टर बनकर आ जाता है विच इज टेरिलीन, क्या, डेक्रॉन। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट, बेकेलाइट को आप और क्या कहते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर भी कहते हैं। देखो होता क्या है, आपके पास ये फिनॉल है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, एसिडिक या बेसिक कंडीशंस में आपके पास सबसे पहले तो ये डेरिवेटिव बनकर रेडी हो जाएगा, फिर यहाँ पर अगेन जब आप इसका जो बेसिक कंडीशंस में इसका रिपीटेटिव कंडेंसेशन होगा तो आपके पास ये वाली यूनिट फॉर्म हो जाएगी बेकेलाइट। हालांकि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, दैट्स इट, कोई आपसे मैकेनिज्म पूछने ही नहीं वाला, ठीक है। तो इसमें तो आपको जाना भी नहीं है, स्ट्रक्चर वगैरह में मत आप लोग घूम जाइएगा, और फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड तो स्ट्रक्चर तो सबको पता होता है, तो मुझे ये भी कहने की जरूरत नहीं है, है ना, आराम से बोलिए। ORS, अच्छा बताओ, कहीं किसी को अभी कोई कंफ्यूजन तो बता देंगे। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से एक ही बात पूछा हुआ है उन्होंने, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, मेलेमाइन और इसमें क्या रहता है, फॉर्मल्डिहाइड। देखो बिल्कुल आसान, एक मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है और मेलेमाइन और फॉर्मल्डिहाइड इसके मोनोमेरिक यूनिट रहते हैं, बिल्कुल नेम से ही ध्यान हो जाएगा, स्ट्रक्चर आसान सा है मेलेमाइन का भी और फॉर्मल्डिहाइड तो सबको पता ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरमीडिएट रेजिन बनेगा और उसके बाद मेलेमाइन पॉलीमर आपके पास बनकर रेडी हो जाएगा। इसमें ध्यान रख लेना, मेलेमाइन तो सबने सुना होगा, मेलेमाइन का क्रोकरी यूज करते हैं सब काफी लोग घर में, तो दिस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रोकरी। उसके बाद नाइलॉन 6,6 भाई बहुत इंपॉर्टेंट, नाइलॉन 6,6 वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्चुअली जितने भी मोनोमेरिक यूनिट्स है ना, किसी भी पॉलीमर का मोनोमेरिक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नाइलॉन 6,6 में मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला देती हूँ, इसको कैसे ध्यान रखना है। नाइलॉन 6,6 में आपके पास ये होता है, दिस इज एडिपिक एसिड, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, दिस इज एडिपिक एसिड, और नेक्स्ट आपके पास जो मोनोमेरिक यूनिट होता है दैट इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो दिख रहा है आपके पास ये सिक्स, तो ये क्या बोलते हैं, सिक्स तो आपके पास ये ग्रुप्स है और यहाँ पर ये आपके पास डायमीन है, दो NH2 ग्रुप है, ठीक है, तो CH2 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 और फिर बीच में आपके पास और इधर क्या है, डायमीन ग्रुप्स है, तो दिस इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन, एंड यहाँ पर आपके पास क्या है, दिस इज एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में भी आपके पास 6 कार्बन एटम्स है, 4 तो ये हो गए मिथाइल वाले और 2 आपके पास ये कार्बोक्सिलिक से आ गए, और इधर कितने,
इधर देखना, इधर भी आपके पास हेक्सामिथाइलिन डायमीन में आपके पास कितने, 6 कार्बन एटम्स है, ठीक है, हेक्सामिथाइल है तो बीच में 6 कार्बन एटम्स है, इसीलिए इसको नायलॉन 66 कहा गया, क्योंकि दोनों मोनोमेरिक यूनिट्स में 6-6 कार्बन एटम्स है। हाई प्रेशर पर जब आप इसको ये दोनों को क्या कराओगे, कंडेंस कराओगे, तो जब भी आपके पास कौन से फंक्शनल ग्रुप है बताना, इधर जल्दी से बता दो। हाँ जी हाँ जी, जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो बताना, पॉलीअमाइड इसको क्यों कहा गया, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन कौन से ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक और अमीन, है ना। तो आपके पास जब इस तरीके से होता है, जैसे किसको बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स जब कंडेंस करती है, ठीक है, प्रोटीन जहां पर बनते हैं वहां पर भी तो ये अमाइड लिंकेज ही फॉर्म होता है आपके पास, पॉलीअमाइड बॉन्ड क्या होता है, इस तरीके से आपके पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पर क्या है आपके पास, ये NH2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ये देखो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और आपके पास क्या निकल कर आएगा, सी ओ डबल बॉन्ड ओ एन एच। तो ये वाला जो आपका लिंकेज होता है, ये जो सी ओ एन एच बॉन्ड होता है, इसी को तो अमाइड बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पॉलीअमाइड्स कहते हैं। तो जैसे कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल के साथ एस्टर बन रहा है, पॉलीएस्टर्स की वाली कैटेगरी में उसको रखा गया है, तो नायलॉन 66 इज अ पॉलीअमाइड, ठीक है। यहां तक क्लियर सब लोगों को, और जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, सुबह सुबह का टाइम है, सेशन को करेंगे क्विकली लाइक, है ना, तो सेशन को जी लाइक करना नहीं भूलना है, जितने लोग मेरे साथ अभी कनेक्टेड हैं। और आई होप आप चेक कर चुके हैं इंडिया टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस, है ना, सबने देख लिया इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं। उसके बाद नायलॉन 6 बेहद इंपॉर्टेंट, इसके बारे में काफी बार पूछा गया है, कैप्रोलेक्टम इसका मोनोमेरिक यूनिट होता है, ये कैप्रोलेक्टम ध्यान कर लेना, दिस इज कैप्रोलेक्टम, क्या होता है इसका मोनोमेरिक यूनिट, कैप्रोलेक्टम। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा दो कैप्रोलेक्टम का, नायलॉन 6 बनकर रेडी हो जाएगा। अब देखो नायलॉन 6 था तो 2 6 थे ना, तो 2 6 से याद रखो उसका 2 मोनोमेरिक यूनिट है और दोनों में क्या है, 6-6 कार्बन, एक एडिपिक एसिड, एक हेक्सामिथाइलिन डायमीन। फिर नायलॉन 6 में केवल एक ही 6 है तो एक ही मोनोमेरिक यूनिट है और उस मोनोमेरिक यूनिट में आपके पास क्या है, 6 कार्बन एटम्स है, नायलॉन 6 लिखा है ना, तो 6 कार्बन एटम्स है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 6, तो यार 6 कार्बन एटम्स, नायलॉन 6 आपका ये हो गया। फिर आपके पास आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की, जिसमें पीएच बीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी गिवन है पीएच बीवी का, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ठीक है। तो हाँ जी, इसका ये भी कर ध्यान रखकर जाना है आप लोगों ने। देखो यहाँ पर जो आपकी मोनोमेरिक यूनिट्स होती है क्या होती है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो आसान ही है, ब्यूटेनोइक और उसमें बस एक और CH2 लगा देंगे, पेंटेनोइक बन जाएगा, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड बस, और ये आपका पॉलीएस्टर की कैटेगरी में आएगा। आप देख रहे हो एल्कोहल और क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो आपके पास इस तरीके से बीच में एस्टर बॉन्ड बनेगा, तो पॉलीएस्टर की कैटेगरी में ही इसको आप रखेंगे। उसके बाद नायलॉन 2 नायलॉन 6, देखो जी नायलॉन 2 नायलॉन 6 में क्या है मुझे बताएंगे सब लोग। नायलॉन 2 नायलॉन 6 तो ये आपका पॉलीमर होता है, अब इसमें क्या है 2 और 6, ये है ना 2 और 6 है, 2 और 6, 2 और 6, तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 में एक मोनोमेरिक यूनिट होगी जिसमें 2 कार्बन एटम्स होंगे और एक मोनोमेरिक यूनिट होगी जिसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे। तो जिसमें 2 मोनोमेरिक ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आपका सिंपलेस्ट क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है ना, तो ग्लाइसिन ध्यान रखोगे, देखो इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2, तो नायलॉन 2 2 ग्लाइसिन में 2 कार्बन एटम्स और अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड में 5 तो आपके पास ये मिथाइल ग्रुप है और एक एक कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन, तो 5 + 1 कितने कार्बन एटम्स हुए, 6। तो यहाँ से क्या बना, नायलॉन 2 नायलॉन 6, तो ऐसे ध्यान रखना है, ध्यान आ रहा है, स्टार्टिंग हमारी हुई थी कहाँ से, नायलॉन 6 6 थे, 6 6 में 2 2 कार्बन एटम दोनों मोनोमेरिक यूनिट के पास। तो अभी अभी मेरे साथ ध्यान कर लीजिए, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, कैप्रोलेक्टम किसका होता है, नायलॉन 6 का, 6 कार्बन एटम्स है नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6, ग्लाइसिन और क्या आपका अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो मैं बता रही हूँ कैसे आप लोग ध्यान कर सकते हो। उसके बाद ये आपको टेबल मिलेगा आपने एनसीईआरटी में, तो इसमें से आप सारे ध्यान रख सकते हो आसानी से, पॉलीप्रोपीन का प्रोपीन मोनोमेरिक यूनिट होता है, पॉलीस्टाइरीन का स्टाइरीन मोनोमेरिक यूनिट है, पीवीसी जो है पीवीसी इंपॉर्टेंट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड आपका मोनोमेरिक यूनिट है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, ग्लिप्टल बहुत बच्चे पूछते हैं और ग्लिप्टल एक बार आपका पूछा गया है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, तो इसको ध्यान रखना, इथाइलीन ग्लाइकोल एंड इथाइलिक एसिड, इसका मोनोमेरिक यूनिट्स क्या बनता है, इथाइलीन ग्लाइकोल एंड मोनोमेरिक एसिड, बेकेलाइट अभी अभी पढ़कर आए, फिनोल एंड
फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और इसके ये जो यूजेस लिखे हैं ना, एक बार इसको आप रीड कर जाए, राइट है, एक बार इसको रीड कर जाएंगे। इसमें से मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट आपका एक तो पीवीसी का यूज है। पीवीसी आप जो है मैन्युफैक्चर ऑफ रेन कोट्स, हैंड बैग्स, विनाइल फ्लोरिंग, वाटर पाइप्स, तो आप देखते हो ना पीवीसी पाइप्स तो सबने देखा, मतलब सुना ही होगा, ठीक है। तो ये उसका एप्लीकेशन बनता है, इसको देख कर जाएंगे एक बारी। और दूसरा ग्लिप्टर का प्लेन्स एंड लेकर्स के लिए क्वेश्चन आया है, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। पेंट्स एंड लेकर्स के लिए ग्लिप्टर्स और आपका बेकेलाइट, इसका आपको ध्यान रखना है, बस ये यूजेस आपने पढ़ने, ठीक है, ये यूजेस आपने पढ़ने। सो आई होप आप ये सब जो आपके कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं इनको समझ पाए। जल्दी से मुझे बता देंगे, क्विकली मुझे बताएंगे, यहां तक सब लोगों को क्लियर है? तो ये जो आपका पीडीएफ है, सो दिस वॉज अबाउट पॉलीमर्स, ये जो आपका पीडीएफ है मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगी ऑन योर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, आई विल फॉरवर्ड इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, और वहां से देखकर आप इसको रिवाइज कर लेंगे, राइट है, वहां से देखकर आप इसको रिवाइज कर लेंगे। तो जितना आज हमने पॉलीमर्स किया है उतना उतना सबका रिवाइज हो जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। सब लोग रिवाइज कर लेंगे, मुझे बताएंगे, सब लोग रिवाइज कर लेंगे इतना जितना हमने आज पॉलीमर्स फिनिश कर लिया, किसी को कहीं भी कंफ्यूजन। अच्छा, वल्कनाइज रबर क्या होता है? वल्कनाइज रबर तो आपने पूछा नहीं है ना, वल्कनाइज रबर बताना। वल्कनाइज रबर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कौन मुझे बता रहा है, हु इज गोइंग टू टेल मी वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में। नियोप्रीन आपने पढ़ा, हाँ हाँ वल्कनाइजेशन पर आ रहे हैं, नियोप्रीन आपने पढ़ा, नियोप्रीन है ना, उसका मोनोमेरिक यूनिट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हु इज द वन, कौन बता रहे हैं कि वल्कनाइजेशन के बारे में, जल्दी से बता देंगे आप लोग मुझे, जल्दी जल्दी क्विकली, हाँ वल्कनाइजेशन, चंद्रा बताओ उसके बारे में बताओ। और आज जो है जितना ये पॉलीमर जितना मैंने आपको करा दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई इसकी मोनोमेरिक यूनिट है, इसमें प्लीज उसको ध्यान रखें। और ये मैं आपका फॉरवर्ड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर अभी के अभी साथ के साथ, तो इसको सब लोग देख लेंगे, अब भी इसको देख लेना। अभी देखो, अभी फ्रेश फ्रेश तुमने यहाँ पर सेशन में सुना ही है, एक बार अभी यहाँ पर फ्रेश आपने सुन लिया है, उसके बाद क्या करेंगे, वहां इसको देख लेंगे ना साथ ही साथ अभी थोड़ी देर के लिए, तो बस सारी मोनोमेरिक यूनिट भी आप लोगों को ध्यान रह जाएंगी, एंड इट बी इजी फॉर यू, राइट है, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली यहां तक इसको देख लीजिएगा। अब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर पर आ जाते हैं, वल्कनाइज्ड रबर किसको कहते हैं, ऊपर 13S रबर बैंड, चंद्रा 007 ने बताया। ये तो देखो 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 देखो, नेचुरल रबर का मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है, आपके पास 2-methyl-1,3-butadiene, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास नियोप्रीन आया, नियोप्रीन का क्या पॉलीमेरिक यूनिट होता है, मोनोमेरिक यूनिट होता है क्लोरोपीन, है ना, क्लोरोपीन इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ नियोप्रीन, राइट। नेचुरल रबर का आपने देख लिया और वो आपने नियोप्रीन का देख लिया, तो सिंथेटिक, और जब मैं आपको सेमी सिंथेटिक पढ़ा रही थी तभी नेचुरल में आपका नेचुरल रबर आ गया जिसका मोनोमेरिक यूनिट है 2-methyl-1,3-butadiene। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद आपने देखा सेमी सिंथेटिक में हमने क्या पढ़ा, नियोप्रीन पढ़ा, 2-chloroprene उसका मोनोमेरिक यूनिट आया। और उसके बाद ये आपके पास आता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में मैंने आपको पहले ही कहा था, यहां पर आप रॉ रबर को किसके साथ, सल्फर के साथ हीट करते हैं विद एन एप्रोप्रिएट एडिटिव, तो ये आपका क्रॉस लिंकिंग एजेंट की तरह काम करता है जो सल्फर है। टेम्परेचर रेंज आप इतना रहते हो, टेम्परेचर भी ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर आपके पास सिर्फ इस तरीके से जहां जहां डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, ठीक है, रिएक्टिव साइड्स जितनी होती है, अनसैचुरेटेड होती है, तो जहां जहां डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स की जगह आपके पास दो चेन्स के बीच में क्या, सल्फर लिंकेज, सल्फर बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर, अच्छा नेक्स्ट पेज पर था ना, तो जैसे कि देखो 2-chloro आपके पास क्या स्ट्रक्चर था, 2-methyl-1,3-butadiene, तो बना दो एक बारी, पहले ब्यूटाडाइन 1, 2, 3, 4 चार कार्बन एटम्स है, फिर 1,3-butadiene है, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, बट मिथाइल इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड, और 2-methyl है, तो यहाँ पर 2 ये मिथाइल आ गया, तो इनको आप लोग इनकी वैलेंसी पूरी कर लेंगे, हाइड्रोजन एटम्स लगा देना। तो मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जहां पर आपके पास ये डबल बॉन्ड है ना, किधर, जहां आपके पास ये डबल बॉन्ड है इधर इधर, तो ऐसा ही एक नीचे यूनिट बना दो, ऐसा ही एक नीचे यूनिट बना दो सेम टू सेम, तो जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड तो हट जाएगा और इनके बीच में क्या जाएंगे, इस तरीके से सल्फर लिंकेजेस आ जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड साइड्स पर क्या जाते हैं, अनसैचुरेटेड साइड्स पर आ जाते हैं,
ठीक है आंसर। अरे अरे ये तो अभिषेक वागरे, अब अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। देखो अभिषेक वागरे ने क्या पूछा है, 273 केल्विन कितना होता है, ये आपकी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं, स्टैंडर्ड मतलब 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये तो जो है आई थिंक आजकल 5th क्लास का स्टूडेंट भी बता देगा, तो ये मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगी। 273 केल्विन कितना डिग्री होता है बताओ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, बताना चाहो। ठीक है यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, वल्कनाइज रबर, ठीक है वल्कनाइजेशन, वल्कनाइज रबर, वल्कनाइज रबर का एप्लीकेशन पढ़कर चले जाना। वाटर प्रूफ कोर्ट्स गोल्फ बॉल्स मैं लिख देती हूँ इसी पीडीएफ में, सो दैट आप लोग ध्यान रख पाओ। वाटर प्रूफ कोर्ट्स, बस एक ही ध्यान रख लो, वाटर प्रूफ, इसमें आपका ये वल्कनाइजेशन रबर्स का ये एप्लीकेशन रह सकता है, ठीक है। तो वल्कनाइज रबर भी आपका हुआ और इसको सब लोग पढ़कर जाएंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, यहां पर आपने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कर लिया है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपका हो गया कौन सा होता है बताना, पीएचबीवी, सब लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, पीएचबीवी इज दी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। उसके बाद एक बात और है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, हेडिंग डाल देना आप लोग, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, बस इसी के साथ जितना आपका यहाँ पर रेलेवेंट पोर्शन है, मेन मेन जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, तो वो मैंने आपका करा दिया है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर फाइंड आउट करने के लिए पहला मेथड जो आपके पास आता है, दैट इज नंबर एवरेज मोलर मास। क्या आता है आपके पास, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। किसी को फॉर्मूला आता है उसका, जल्दी से बता दो फॉर्मूला आता है आपको, एक्सप्रेशन लिखना आता है, बस एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है और तो कुछ नहीं है ना, एक्सप्रेशन ही इंपॉर्टेंट है और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी से बताएंगे जल्दी जल्दी, तो फटाफट एक एक कर जितने भी आपके मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स फाइंड आउट करने के जितने आपके मेथड हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले वी हैव नंबर एवरेज, दिस इज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जिसको आप डिनोट करते हो इस तरीके से एम एन से, तो आपके पास क्या आता है, एम एन इज इक्वल टू एन आई एम आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन आई। इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर ये जो एन आई है ना, ये आपका कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द आरईएथ आरईएथ टाइप, ठीक है। मतलब आपके पास कितने नंबर मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर आपके पास आई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उनका आपको क्या करता है, आरईएथ टाइप के आपके पास यानी कि एक टाइप के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय उनका मोलर मास, ठीक है, उसका समेशन, एक एक यूनिट का कितने नंबर है, एक यूनिट के कितने नंबर है उसका मोलर मास कितना है, दूसरे यूनिट के कितने नंबर है उसका मोलर मास कितना है, सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो यहाँ पर एन आई एम आई और फिर समेशन ऑफ एन आई आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है, वेट एवरेज, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इसको आप डिनोट करते हैं वेट एवरेज है, तो एम डब्ल्यू से ऊपर ये हाइफन और रहता है दोनों ही केसेस में, और इसके पास, इसके लिए जो आपके पास एक्सप्रेशन आता है दैट इज एन आई एम आई का स्क्वायर, बस कुछ नहीं यहाँ पर, तुम्हें स्क्वायर और कर देना है यहाँ पर मास के साथ, और नीचे आपका एन आई एम आई आ जाएगा। क्या जाएगा, एन आई, बस ये दो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, पॉली डिस्पोजिटिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, राइट है। जितने आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं वहां पर आपका पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स जो होता है इक्वल टू 1 रहता है, ठीक है। और जितने आपके नेचुरल फाइबर्स हैं उनके केस में पीडीआई आपका पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स 1 रहता है, और जितने आपके सिंथेटिक हैं सिंथेटिक फाइबर्स के केस में आपका ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आपको देखने के लिए मिलेगा, पीडीआई विच इज पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो इसी के साथ जितना मेन मेन पोर्शन था हमने सब कवर कर लिया, ठीक है। एक्सप्रेशन आपको ध्यान होने चाहिए, और जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है सेशन को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो जी अभिषेक 200 डिग्री, वाह, चलो जो भी है, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच मेरे साथ ये सेशन में कनेक्ट होने के लिए। इसी तरह सुबह सुबह 7 बजे आ जाइए, और फिर अब की बार जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट दैट इज डी ब्लॉक का 1 शॉट रिविजन, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होगा, रेडी रहिएगा उसके लिए, है ना। हाँ हाँ कर दो। सो थैंक यू वेरी मच आज मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। बट हाँ, जाते जाते ये जरूर आप लोगों ने देख लेना है क्या कि भाई आपका जो है यहाँ पर ये जो बैचेस है नीट यूजी बम्पर ऑफर बेसिकली आपका 12th में इस तक था, और ये आपके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो बिगनर्स बैच और संजीवनी बैच तो आप जाते ही है। आज मेरा प्लस क्लास है, फर्स्ट प्लस क्लास,
सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, तो आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं सुबह सुबह 10 बजे, है ना। नीट यूजी बंपर ऑफर आपका ऑन गोइंग ऑफर जो ये था इस वाले बैच के लिए, टॉपर्स बैच है। और देन वी हैव दी अदर बैच, तो आप देख सकते हो उड़ान बैच है आपके पास, यू हैव अ लॉट ऑफ बैचेस। और अगर आप एक 23 एस्पायरेंट है तो आप 24 मंथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12 मंथ यू कैन गो विद दिस। 22 एस्पायरेंट जितने भी है 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप यूज कर लेंगे द कोड AKA लाइव। और अगर आप 3 मंथ यानी क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो भी कूल है जी, आप जा सकते हैं इसके साथ, 10% ऑफ आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा, ठीक है। सो और अनअकैडमी कॉम्बैट, अनअकैडमी कॉम्बैट तो भूलना ही नहीं है, कल ही आपका अनअकैडमी कॉम्बैट है ना संडे को, तो भाई सुबह सुबह 11 बजे एनरोल करा लो इसके लिए आज ही, सो दैट बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो आपका कल भी और आप दे पाए टाइम से टेस्ट, ठीक है। तो एनरोल करा लीजिए, कोड यूज कर लेना प्री एनरोल कराने के लिए AKA लाइव। सो थैंक यू, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच साजू, थैंक यू। हाँ कल अपने फ्रेंड्स को जल्दी उठा देना और मैं भी शेयर कर दूंगी क्लास को, आज जो है क्लास शेयर नहीं हो पाती है। ओके बाय बाय, गुड गुड नाइट कर रही हूँ देखो मैं, ठीक है, बाय बाय, पढ़ाई करो और मैं ये सेंड कर रही हूँ, फॉरवर्ड कर रही हूँ इसको मैं आपके टेलीग्राम चैनल, ठीक है।